हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तालाब में मछली आखिर बड़ी क्यों नहीं होती है, कहाँ गलती हो जाती है जिसके कारण हमारी मछलियाँ बड़ी नहीं हो पाती हैं, जबकि वहीं आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियाँ 2 किलो से लेकर 3 किलो तक हमारे ही लोकल मार्केट में बड़े धड़ल्ले से बिकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे मछली पालन हो या फिर और कोई फील्ड हो, उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस फील्ड में सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। आज मैं आपको 4-5 फायदे ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी भी मछली ग्रोथ करेगी और आप भी अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, आप भी अच्छा मुनाफा लेंगे। दोस्तों, तालाब में 3 लेयर होते हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। इन तीनों लेयरों को आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। दोस्तों, अपर लेयर में यानी कि सबसे ऊपरी वाली लेयर में 2 मछलियां रहती हैं, सिल्वर कार्प और कतला, जिसको कई लोग भाकुर के नाम से भी जानते हैं। आप अपने तालाब में जब भी मछली डालें, इन तीनों लेयरों को मेंटेन करके मछली डालें। जैसे सबसे ऊपरी वाली लेयर में सिल्वर मछली रहती है और कतला मछली रहती है। कतला मछली को कुछ लोग भाकुर मछली के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे मिडिल लेयर की। तो मिडिल लेयर में ग्रास कार्प मछली रहती है और रोहू मछली रहती है। उसके बाद आता है बॉटम लेयर यानी कि सबसे निचला लेयर। इस लेयर में मिर्गल मछली रहती है और कॉमन कार्प रहती है। मिर्गल को कुछ लोग नैनी मछली के नाम से जानते हैं और कॉमन कार्प को कुछ लोग चाइना मछली के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों लेयरों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि तीनों लेयरों में आपको मछलियां होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल ग्रास ग्रास ही डाल देते हैं या फिर केवल सिल्वर सिल्वर ही डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि सिल्वर मछली का ज़्यादा ग्रोथ है, इसीलिए केवल हम सिल्वर का ही पालन करेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको तीनों लेयरों को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप मछलियों का अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी मछली को 7 से 8 महीने में तैयार करना चाहते हैं, आप जब भी आप अपने तालाब में सीड डालें तो स्टैंडर्ड साइज सीड डालें, यानी कि एक बच्चा 100 ग्राम का होना चाहिए, 100 ग्राम से कम का ना हो, तब जाके आप उसको 7 से 8 महीने में बड़े आराम से आप अपने तालाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको 1 केजी कर सकते हैं। अगर 100 ग्राम से छोटा सीड रहेगा तो आप उसको 7 से 8 महीने में हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फिंगरलिंग आप अपने तालाब में स्टॉक करेंगे तो उसको 12 से 14 महीने लग जाएंगे आपको 1 किलो करने में। अगर आपको कम से कम समय में मछली को तैयार करनी है तो आप जब भी आप अपने तालाब में सीडी स्टार्ट करें तो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक उसका साइज होना चाहिए। दोस्तों, उसके भोजन में चाहे आप खली ब्रांड दें या फिर कमर्शियल फीड, दोनों का अलग अलग रेशियो है। अगर आप खली ब्रांड खिलाते हैं तो आपकी मछलियों का ग्रोथ थोड़ा कम होगा, और अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो उसका रिस्पांस आपको हटके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खरी ब्रांड पे आपकी मछली ग्रोथ नहीं करेगी, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, लेकिन ये है कि आपको प्रॉपर वे में उसको भोजन कराना पड़ेगा। यानी कि एक समय निर्धारित कर लें आप, सुबह के 10 बजे आपको भोजन देना है, शाम को 4 बजे देना है, रोज उसी समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मछली खाएगी तभी बढ़ेगी। तो उसके फीडिंग पे आपको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उसका अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे और अच्छा ग्रोथ भी तभी मिलेगा उसका। दोस्तों, आप 15 से 20 दिन में कम से कम एक बार अपने तालाब में फॉल्स नेटिंग जरूर कराएं। फॉल्स नेटिंग से फायदा ये होगा, आपकी मछली हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेगी, और अगर उसके शरीर पे किसी प्रकार का कोई रोग लगा है तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। फॉल्स नेटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी मछलियों को महीने में एक बार अपने तालाब में जाल डाल के एक बार जरूर दौड़ा दें। दोस्तों, मछली पालन में तालाब का पानी का क्वालिटी बहुत मायने रखता है। आप अपने तालाब में हर महीने नमक और चूना, इन दोनों का प्रयोग करते रहें। दोस्तों, अगर आप अपनी मछली को फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो कम से कम 2 किलो 4 किलो कमर्शियल फीड जरूर खिलाएं। आप खरी ब्रांड दे रहे हैं उसको देते रहें, लेकिन कमर्शियल फीड जरूर दें, क्योंकि कमर्शियल फीड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल, फैट होते हैं,
अगर आप कमर्शियल फीड 2 किलो 4 किलो देते रहेंगे तो मछली का प्रोटीन मिनरल की कमी होगी, तो वो फीड जो है कि पूरा कर देगा और आपकी मछलियों का ग्रोथ तेज होने लगेगा। दोस्तों कोशिश ये करें कि आप अपने तालाब में रोज नया पानी यानी ताज़ा पानी ऐड करें, 1 घंटे ही सही 2 घंटे ही सही, लेकिन कुछ न कुछ ताज़ा पानी आप अपने तालाब में ऐड जरूर करें, इससे भी आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ेगा। दोस्तों आप अपने तालाब में हमेशा नेचुरल खुराक जरूर बना कर रखें, क्योंकि दाना तो आप सुबह शाम देंगे या खली बरान तो आप सुबह शाम देंगे, बाकी समय अगर मछली को भूख लगेगी तो वो क्या खाएगी। इसीलिए आप अपने तालाब में भरपूर मात्रा में जूपलेंटान और फाइटोप्लेंटान को बना कर रखें। दोस्तों तालाब में जूपलेंटान और फाइटोप्लेंटान कैसे बनाते हैं यानी कि प्राकृतिक भोजन कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने पानी का कलर हमेशा हल्का ग्रीन रखें, उसको मोटा ग्रीन न होने दें। अगर मोटा ग्रीन हो रहा है तो उसमें जियोलाइट का प्रयोग करें, 1 एकड़ में 20 किलो जियोलाइट का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी मछलियों को प्रॉपर वे में भोजन कराना है और पानी को साफ रखना है, बस फिर देखिए आप अपनी मछलियों का ग्रोथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मछली 3 महीने में 1 किलो की हो जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि आपकी मछली 6 से 7 महीने में 1 किलो की हो जाएगी। दोस्तों आप अपनी मछलियों को बैग फीडिंग जरूर कराएं। बैग फीडिंग में ये होता है कि आप एक प्लास्टिक का बोरा ले लीजिए और उसमें 4-5 जगह आधे आधे इंच का होल बना दीजिए, उसमें खली ब्रान मक्के की दरिया इन तीनों चीजों को मिक्स करके और बोरी में डाल करके और उसको तालाब में डाल दीजिए, ताकि मछली को जब भी भूख लगे तो वो समझ जाए कि हाँ उस जगह पे भोजन रहता है और वो वहाँ पे जा करके वो अपना भोजन कर ले। दोस्तों मछली खाएगी तभी बढ़ेगी, इसीलिए आप उसके भोजन पे हमेशा ध्यान दें। दोस्तों आप अपनी मछलियों को ध्यान रहे कि ओवर फीडिंग न कराएं, मतलब तालाब में उतना ही भोजन डालें जितना वो आराम से खा जाए। ज़्यादा भोजन देंगे तब भी वो नुकसान करेगा, वो नीचे जाएगा और तालाब की तलहटी पे बैठ जाएगा और फिर अमोनिया गैस बनेगा, जो मछलियों का सबसे घातक और सबसे खतरनाक गैस होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मछली और मछली पालन से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।